आपका पारुल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। आज 17 जनवरी 2021, आज जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, तेजस्वी इकपाल और केडी स्पोर्ट ने जो सेकंड T20 डोडा प्रीमियर लीग DPL जो थी वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई थी डोडा में, डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराई थी। आज 17 जनवरी 2021 है, आज इसका फिनाले है। आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में T20 हो रहा था, जो KT स्पोर्ट और तेजस इकपाल की आपसी में एक कोलैबोरेशन में जो इन्होंने एक T20 सेकंड T20 डोडा प्रीमियर लीग किया। यहाँ पे सजान टीम जीत चुकी है, हम इन्हीं से बात करेंगे कैसा इनको फील हो रहा है, कैसे इनको अच्छा लग कैसा लग रहा है इनको। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके जीतने के। थैंक यू सर। तो डोडा प्राइमरी की जो चल रहा है, जो आपने इख्ताम पजीर पहुंचा, तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से विक्रम सर को कंग्रेट्स कहता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहां पे ऑर्गेनाइज करवाया। तो अभी क्या मतलब कि आपको कैसा लगा इस प्लेटफॉर्म पे खेल के, कि आगे भी आप जाना चाहेंगे क्या? सर ऑब्वियसली इस जो ये वाले टूर्नामेंट होते हैं, ये इसमें कंपटीशन ओपन होता है, ना कि रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन होता है। जो जैसे गुफरान मेमोरियल टूर्नामेंट यहाँ पे होते हैं, उसमें बाहर की भी टीमें आती हैं, वो उनका वो प्रोफेशनल क्रिकेट है। तो हम कोई हम में से कोई जॉब भी करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, तो हम कभी कभार खेलते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो खासकर अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए और उनकी कंपेयर अगर उसको सिटी के हिसाब से भी बात की जाए, तो सजान एक वाहिद एक टीम है जो हर किसी के साथ कम्पीट करने की ताकत रखती है। तो यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज यूथ को ये है कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और उसके बाद क्रिकेट पे फोकस कीजिए। थैंक यू, वेलकम। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? वेलकम, सबसे पहले आपको आपका खुश आमदीद। तो यहाँ पे सेकंड एडिशन जो डोडा प्रीमियर लीग KT स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज कराया, तो सबसे बड़ी बात यही है कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो कंपटीशन बहुत बड़ा था। तो वाहिद सजान की यंगस्टर सजान 11 जो कि यहाँ पे चैंपियन बन गई आई, तो देखने वाली बात यही है कि कितने फार फ्लंग एरिया से हम बिलोंग करते हैं और उसके मुकाबले में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट पे इतना टफ कंपटीशन दिया। ये यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर KT स्पोर्ट्स की तरफ से, एक खूबसूरत टूर्नामेंट यहाँ कराया गया। मैं चाहूंगा ये जो इसके बाद मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट, अक्सर मेरी छत्र से मुबारकबाद टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की घड़ी होती है। तो जो कहता है हमारे स्टूडेंट हंसमुख खाने का उनका चेहरा खिला खिला रहता है, हंसते हुए रहते हैं। मैन ऑफ द मैच बहुत बढ़िया इन्होंने स्ट्रेटजी अप्लाई, बॉलिंग जो थी कप्तान जो थे सजान के, उन्होंने बढ़िया तरीके से वहां पर अपनी टीम को टैकल किया और बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा लगा आज फाइनल खेल के। आपको लगता था मुकाबला मुश्किल है? हाँ, पहले तो लगता था बहुत मुश्किल था मुकाबला, लड़के जीत के आए थे, आगे बॉलिंग भी इनकी बहुत स्ट्रांग थी, तो पहले तो इन्होंने हमें दबा लिया था, मगर बीच में हमने मैच को निकाल दिया। क्या वजह थी कि आपने बीच में मैच को निकाल दिया? स्टे करनी पड़ी, तो बीच में हमारे पीछे हमने बैटिंग रखी थी, आबिद था, आमिर था, अच्छे बैट्समैन थे हमारे पास, जिनने लास्ट ओवर में स्कोर को बहुत बहुत बढ़िया बात करने के लिए बहुत अच्छा है ग्रास, बहुत बढ़िया खिलाड़ी लास्ट में अमित शाह मया उनकी ट्रॉफी है। नासिर यहाँ नहीं, मुझे मैं जानता हूँ लट्टी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके साथ उनके भाई है मेरे ख्याल में, ये जो उनका ट्रॉफी ले रहे हैं, जोरदार तालियां, एक बार खिलाड़ी है, खास करके इनकी बैटिंग जिस वक्त इन्होंने बैटिंग की थी बहुत बढ़िया अंदाज से बैटिंग किए हुए थे यहाँ पे। ये मैन ऑफ द मैच जिन्होंने अपना मैन ऑफ बेस्ट की तरह आपका टूर्नामेंट जिन्होंने अपना इनाम यहाँ से हासिल किया, आप में आज की जो रनर अप टीम रही जो फाइट मेडल सेरेमनी जो देखिए जो रनर अप टीम है हमारी उनके लिए जो कैब मैं अनाउंस करना चाहता हूं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी राणा जी ने मुझे बता दिया है वो अपने मेडल्स भी लेंगे और बाद में अपनी टीम के जश्न में जो है उसको बांटेंगे। इसको आपने हारा तो क्या वजह होगी?
फर्स्ट ऑफ ऑल विक्रम सतपोल जो ऐसा टूर्नामेंट हमारे डोडा में करवा रहे हैं जिसमें डोडा के सिर्फ लोकल्स खेलते हैं, इसमें जो लोकल्स का टैलेंट जो है बाहर आता है। अब जैसे सिर्फ पिछले टूर्नामेंट थे उसमें सिर्फ भद्रवाह या भद्रवाह फाइनल लेती है किश्तवाड़, डोडा ये टूर्नामेंट में डोडा के यूथ जो है उसमें टैलेंट दिखाई दिया हमें, बहुत कैपेबिलिटी है यहाँ के यूथ में। और आज के मैच में थोड़ा फील्ड हमारा पहली बार था यूथ अबाबील फर्स्ट टाइम इन द फाइनल, तो थोड़ी सी फील्ड में कमी रही, इसको हमें इंशाल्लाह अगली बार पूरी करेंगे। थैंक यू, आपसे बात कर रहे हैं, इतना स्वागत कर दिया ओपनर सर। कमेंटेटर हैं पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जगह पे आप कमेंटेटर रहे हैं और 15 अगस्त में भी हर जगह पे आपका एक नाम है, तो आप क्या बताएंगे सर ये आज जो तेजस एक पहल और केटी स्पोर्ट ने ये टूर्नामेंट करवाया, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए? पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, इतने यंगस्टर्स आप लोग जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं और ये मेरे लिए एक बड़ा फख्र का मुकाम है। कमेंटेटरी की बात जहाँ तक आती है या किसी प्रोग्राम को एंकर करने की बात आती है, ये मेरे जीन्स में था। जब मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ एक मेरे उस्ताद जो थे वो कमेंट्री किया करते थे, मैं उनके साथ जाके बैठता था, वहीं से ये गुरु मुझे मिला है और मैं आज भी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी लंबी आयु करे। फिर आपने दूसरी बात जो टूर्नामेंट के हवाले से की, तो केटी स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है या एजिस एक जो हमारा फाउंडेशन है उसकी आपने बात की, तो ये खिलाड़ियों को इस तरह से इकट्ठा करना और इतने खूबसूरत अंदाज से इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इनकी पूरी टीम, राणा साहब या जितने इनके साथ ही इनके साथ जुड़े हुए हैं, और आप प्रेस के लोग जो इस बात को उभारते हो, इस बात को आगे लेके जाते हो, इससे हमारे जवानों में एक शऊर आता है कि खेल कूद हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें बुरी चीज़ों से दूर रहना है, हमने बुराइयों की तरफ नहीं जाना है, हमने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने शरीर को प्रॉपर रखना, एक स्ट्रांग बनाना है। तो वो एक खिलाड़ी ही ऐसा कर सकता है जो एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकता है और अपनी ज़िंदगी को बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। सर अभी ये जो ग्राउंड है इस पे ग्रास वगैरह नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी? देखिए हाँ, मैं आपकी बात सुंदर जान गया। देखिए घास का लगना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़ी हमारी एक विडम्बना है कि हमारे पास डोडा में सिर्फ एक स्टेडियम है। आप देख रहे हैं कि कल या परसों से यहाँ 26 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू होने जा रही है, इसको मौका ही नहीं मिलता है। मैं कोविड की ड्यूटी में जब 6 महीने यहाँ स्टेडियम में लंगर में रहा, तो उस वक्त हमने कोशिश की यहाँ पर कि हम इसको बंद रखें, और ये बंद भी रहा तो इसमें घास उगी, लेकिन उसके बाद फिर बच्चों का भी एक शौक था, बच्चे भी नहीं मानते थे, फुटबॉल खेलने वाले सुबह लोग आ जाते थे, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए। अगर इसका कोई अल्टरनेट थोड़ा सा कहीं और हो जहां पर थोड़ी देर के लिए स्टेडियम को बंद किया जाए और वहां पर बच्चों को अल्टरनेट रास्ता दिया जाए, तो मैं समझता हूं घास बनाने के बाद ये एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम बन सकता है। सर उन यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा जो कि अभी इसमें आना चाहते थे, तो उनके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या करेंगे कि और भी ऐसे मैचेस होने चाहिए? देखिए रिसेंटली पिछले दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रिकेट का बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया और बहुत बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट वो भी रहा, लेकिन बहुत सी और भी एजेंसियाँ यहाँ टूर्नामेंट्स को कराती हैं। और अभी पिछले दिनों मेरी डी साहब से बात हुई है, बहुत जल्दी हम एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट यहाँ करने जा रहे हैं जो हमारा बड़ा लोकप्रिय खेल रहा है। डोडा का चैंपियनशिप हमारे पास रही है जम्मू कश्मीर की पूरी, अगर आप बात करें लोकल्स लोग नहीं जानते हैं, क्रिकेट का एक फोबिया है, एक फीवर सा है कि क्रिकेट ही क्रिकेट है, लेकिन इससे हटके और भी कुछ है। आज हमारे डोडा में देखिए अब जगह जगह हमारे बच्चे ताइक्वांडो खेलते हैं, एक बहुत अच्छा खेल जो चाइना से लेकर हिंदुस्तान में आकर इतना मशहूर हुआ कि आज हम इसके चैंपियनशिप हैं। और मैं इसमें मुबारकबाद देता हूँ जो भी एजेंसी सामने आती हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ से हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज से भी कि वो इस तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करें, ताकि कोविड का जो पीरियड हमने बहुत सख्त वक्त हमने काटा है और उस ऊपर वाले की मदद से आज हम उस दौर से थोड़ा हट चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें एसओपी का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, अभी उसकी कुछ हवाएं चल रही हैं, उसको ध्यान रखते हुए दूर दूर रहकर आप हर चीज़ को कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से भी रहेगी कि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छी स्पॉन्सरशिप से कोई अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स यहां करा सकते हैं। रिसेंटली अभी यूथ एंड सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक प्रोग्राम नेशनल यूथ फेस्टिवल जो मनाया गया जम्मू के अंदर, जिसमें हमारे डोडा के यूथ ने भी पार्टिसिपेट किया, वो ढक्कू को लेकर अपने फोक कल्चर को लेकर रिप्रेजेंट करते, उनके बारे में क्या? देखिए ये यूथ फेस्टिवल हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि डॉक्टर सलीमुर रहमान फानी जो डीजी स्पोर्ट्स हैं वो डोडा के ही रहने वाले हैं और क्रिकेट के इतने बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं, कभी मौका मिले तो मैं उनके सामने ये बात करूंगा, मैंने कमेंट्री की है उनके मैचेस में। तो उनका एक शौक था कि ये जो यूथ फेस्टिवल है ये भारत की डिफरेंट स्टेट्स में हुआ करता था, लेकिन अब की बार उन्होंने उसको जम्मू में ऑर्गेनाइज कराया जहाँ पर हमें डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिले। मैं उस स्पॉन्सरशिप में नहीं जा सका, लेकिन मेरे एक साथी डॉक्टर अख्तर जो कॉलेज में है उनको मैंने यहाँ से गाइड किया कि ये ढिकू डांस क्या होता है, हमारा मेला पट, हमारा अलाल बनी का मेला, ये हमारी पहचान है,
हमारी चिनाब वैली की जो पहचान है वो हमारा डिक्कू डांस है, जैसे रामन की पहचान थाली डांस है, और हमारे पाडर का अपना एक डांस लिदर डांस जिसको कहते हैं उससे मशहूर है। तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक वहाँ नमूना पेश किया और अपने इलाके की एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दे दी। नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन हुई है, उसके बारे में क्या बताएंगे? जी देखो, उनकी कामयाबी है। बहरहाल वो एक ऐसा नाच है जो पूरे मुल्क में एक निराला सा नाच है। डिक्कू बहुत किस्म का आप डोगरी में भी देख सकते हैं। रामनगर का नाच एक अपना ही नाच, वो भी हमारी तरह वो नाच करते हैं, लेकिन हमारा ये देवताओं को खुश करने वाला नाच, जिसको जातरों के वक्त, हमारा जब सावन का महीना होता है, हमारी मुख्तलिफ जातरें जिसमें बिजारनी का मेला, अलाल बनी का मेला, बेला की हिराई, हमारा पट का मेला मशहूर है, वहाँ पर ये बजता है और एक डिसिप्लिन नाच होता है और डिसिप्लिन प्रोग्राम वहाँ पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। आज कि मैं अपने शागिर्दों के सामने खड़ा हूँ और अच्छी बात करने को मिली, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप फलो फूलो, अपने इस पेशे को बड़े नेक नीति से आगे बढ़ाओ और आपको इसकी कामयाबी। आप एक्टिव रहती है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अभी ये जो क्रिकेट आपने करवाया कोलैबोरेशन विद केटी स्पोर्ट की साथ में, तो आप सक्सेसफुल अभी होते हो रहा है, तो क्या बताएंगे सर? सबसे पहले मैं सभी मीडिया भाइयों का आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस फाइनल टूर्नामेंट में आए, और ये सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारी यही इसीलिए है कि हम डोडा में अगर आप टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो सबसे बड़ा योगदान जो है केटी स्पोर्ट जो है विक्रम सिंह कटोच जी, जिन्होंने हमें अपने साथ जो यहाँ पे इस टूर्नामेंट में काम करने का मौका दिया, और इन्होंने बखूबी इस टूर्नामेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया। हमारा तो छोटी ही भूमिका रही, कम भूमिका रही, लेकिन सबसे ज़्यादा राणा सर और विक्रम सर की इसमें भूमिका रही। और मेन हमारा मोटिव है कि हम टूर्नामेंट जो है रूरल एरियाज़ की जो टीमें जो खेलते हैं, जो बच्चे रूरल एरियाज़ के हैं, उनको मौका नहीं मिलता फाइनल में या बाकी चीज़ों में, क्योंकि बाहर की टीमें आती हैं जीतती हैं, लेकिन हमने इस बार विक्रम सर और बाकी राणा सर और सभी की बदौलत इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो रूरल एरिया की टीमें हैं उनको पोटेंशियल देने के लिए, उनको आगे करने के लिए हम मौका ही दें कि जो रूरल एरियाज़ की टीमें वो यहाँ पर खेलें। और इस बार आपने देखा कि एक बहुत दूर दराज की टीम जो सजान, जो यहाँ पर फाइनल मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जीता होगा या जीता भी होगा, तो इस ऐसे टूर्नामेंट में नहीं उनको मौका मिला, तो इस बार उनको मौका मिला और उन्हें बड़ी बड़ी टीमों को हरा के फाइनल लिया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यूथ के लिए भी, और हम चाहते हैं कि यूथ आगे आए, हम ऐसी एक्टिविटी करते रहेंगे। थैंक यू सर। सर बताएं आज के मैच के बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने सभी मीडिया साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपके बिना हमारा जितना भी एफर्ट्स होते हैं, हम जो भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या कोई दूसरी एक्टिविटी हो, तो आपके ज़रिए वो लोगों तक पहुंचती है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी जितनी भी यंग जनरेशन है उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो। इस समय मानसिक टेंशन हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पढ़ाई को लेके हो चुकी है, या दूसरी कई सारी जो चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं, तो वो सारा इतना माइंड सेट उनका बच्चों का होता जा रहा है, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ होती जा रही है, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसकी हेल्प से वो अपनी लाइफस्टाइल में एक चेंज ला सकते हैं, अपने करेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनके फ्यूचर में उनको बहुत हेल्प होगी। केटी स्पोर्ट्स जब बनाया गया था तो उसका एक ही मकसद था कि हम स्पोर्ट्स को अपने गांव के हर एक कॉर्नर तक लेके जाना चाहते हैं। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं करना चाहते कि सिटीज़ के ही लोग इसमें खेलें, जो सिटीज़ में बैठते हैं उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन हमारे जो गांव के प्लेयर हैं जिनमें अच्छी पोटेंशियल है, अच्छा गेम है, अच्छा क्रिकेट है, उन तक कहीं ना कहीं वो महरूम रह जाते थे। इसलिए हमने केटी स्पोर्ट्स का जो फर्स्ट इवेंट लास्ट ईयर करवाया था, ये सेकेंड एडिशन था, मेन मोटिव ये रहा कि जितने भी दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है, अच्छे लोग, अच्छे बच्चे वहाँ पे खेलने वाले हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, और जो सिटी के बच्चे हैं हमारे जो खेल रहे हैं उनके साथ मिलके वो खेलें ताकि वो अपनी गेम्स को इम्प्रूव कर सकें, और बाकी जो जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनसे अपने आप को बचाएँ और स्पोर्ट्स में एक्सेल करें। तो उसी मकसद से हमने ये टूर्नामेंट करवाया, ऊपर वाले की कृपा से ये सक्सेसफुल रहा, सभी की सपोर्ट्स रही, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट रही, मीडिया पर्सन की सपोर्ट रही, हमारे जितने साथी थे उन सब की सपोर्ट रही, मेरे साथी आकाश जी हैं जो एनजीओ चलाते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, तो ये मिलजुल के काम होता है, सबको मिलके काम करना है, तो ऐसे ही ये कामयाब हुआ, शुक्रिया सबका। मुबारकबाद देना चाहूँगा सजान टीम को, और साथ में शुक्रिया करना चाहूँगा मीडिया पर्सन्स का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। तो हमने जब, और साथ में मेरे साथ राणा सर हैं
और तेजस एक पहल फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है जर्नी से, उनका सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए पूरा सहयोग दिया। हमने जब फर्स्ट डोडा प्रीमियर लीग स्टार्ट किया था केटी स्पोर्ट्स की तरफ से, तो हमारा जो मोटिव था कि हम गाँव की टीमों को यहाँ तक पहुँचाएं, इसके लिए क्या होता था कि जब भी यहाँ टूर्नामेंट होता था तो अक्सर बाहर की टीमें आके जीत के चली जाती थी, तो जो छोटी टीमें थी उनको कभी मौका नहीं मिलता था। तो जो हमारी पहल थी कहीं ना कहीं वो कामयाब होती हुई आज नजर आई, जैसा कि हमने सेकेंड डोडा प्रीमियर लीग में देखा कि एक जो हमारी सजान की टीम पहुँची जो ही गाँव से है, और दूसरी जो हमारी है वो यूथ हवाबील पहुँची, जो कि आज भी बोल रही थी अपने जब उनको ट्रॉफी दी गई कि हम पहली बार आए थे और पहली बार हम फाइनल में पहुँचे, बेशक रनर अप रहे, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन उनको भी मेरी तरफ से बधाई। तो कहीं ना कहीं जो हमारा लक्ष्य था वो सार्थक होता हुआ नज़र आ रहा है। टैलेंट कितना क्या है? हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ लड़के थे, मतलब जब हम यहाँ बात करते थे बड़ी बड़ी टीम्स की तो लगता था कि बस यही टैलेंट है, लेकिन जो गांव के कुछ टीम्स आए और उनके कुछ प्लेयर्स आए जो इस बार अचानक नाम चमके हैं, यहाँ पे कई नाम है जो अचानक चमके हैं, जैसे अबाबील के अंदर थे, हमारे दशनान टीम के अंदर थे, वो भी पहली बार आई थी और वो भी सेमीफाइनल तक पहुँची है, तो काफ़ी नए प्लेयर निकल के यहाँ पे सामने आए हैं इस बार, और अच्छा लगेगा कि आगे भी वो अगर कुछ टूर्नामेंट्स में आगे पार्टिसिपेट करें।